नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। डिंग मंडी में पिछले कई दिनों से वाटर सप्लाई का पानी न आने के कारण पानी की किल्लत होने से ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त किया। बार बार शिकायत करने के बाद समस्या का समाधान न होने के कारण ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं वाटर सप्लाई की बिगड़ी हुई व्यवस्था, ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ अनेक सवाल उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि वाटर सप्लाई का पानी न आने से लोग नहाने, खाना बनाने और पशुओं के लिए पानी पिलाने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि नलकों का पानी भी खराब हो चुका है और नल का पानी पीने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि नलके का पानी कुछ समय बाद रखने के बाद पीला पड़ जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो तीन महीनों से पानी की समस्या बार बार आ रही है। पानी दो तीन दिन बाद आता है और फिर बंद हो जाता है। इसके अलावा वाटर वर्क्स की सफाई को लेकर के भी लोगों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वाटर वर्क्स में जंगल रूपी घास व झाड़ियाँ खड़ी है। इसके अलावा पानी की डिग्गियों में कचरा और पॉलीथीन भरे हुए हैं। वहीं सूचना मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि सुभाष खलेरी वाटर वर्क्स पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से जानकारी ली और सरपंच प्रतिनिधि सुभाष खलेरी ने बताया कि यह समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है। नहर से यहाँ तक इसके बीच में तीन वाटर वर्क्स आते हैं, क्योंकि जिस तरह से आबादी गांव की है वहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि समस्या के प्रति विभाग व सरकार को शिकायतें दी हुई है, पर अभी तक इसका कोई निवारण नहीं हो पाया। पलपल डिंग से विनोद स्वामी की ये विशेष रिपोर्ट। अगर तो मैं भी आदमी ले जाए, अगर तो यानी मैं कर लूं संविधान कर दिया, अगर तो सप्लाई पानी नहीं चली और बिल्कुल नहीं आती है। पानी इतना गंदा पानी है, पशु नहीं पीते हमारे, और ये आते हैं कोई अधिकारी आता नहीं है, यहाँ कर्मचारी ये कुछ सुनाई नहीं करते, और ये भी आज भी सारे एबसेंट ही है, अभी एक दो इकट्ठे हुए हैं। आज बोलो किसी को, आज हाँ आज आ रहे हैं, सोने बोले मैं आऊँगा, मैं तू शाम तक आएगा, हमें क्या मतलब है, अब ड्यूटी पर आता हूँ। कौन किस से बात हुई है? ये अशोक कुमार से बात हुई है, यही से दो चार दिन से। भाई पानी बात है, पानी नहीं चलिया, पानी एक गंदो पानी आ रहा है, दूसरी बात कोई सप्लाई नहीं चलने लग रही, फिर ना ए, नारा नहर को पानी संभाल रहा है, संभाल को पानी जो है संभाल कौन से करी, हमारी कितनी बारी है, कितना टाइम है हमारो, इन पर इलाज होना चाहिए, हमारा आपको मानव मिलना चाहिए, पानी बिल्कुल गंदो आ रहा है। आदर्श कॉलोनी में एक बाल्टी पानी नहीं भरे, एक बाल्टी पानी तीन दिन हो गया नहर आई ने, वो पानी बंद क्यों पड़ी है, ट्यूबवेल को पानी क्यों आने लग रहे हो, नहर को क्यों तो अभी मैं बात काटांगा सुक्या बाद में बिन मान पानी चलने वाले सुकण भर लो मान लो भाई पर इल्ला भी चलना रे है अभी पता है भाई नहीं अभी इतनी देर तू कटा हो एक घंटा ऊपर हो गयो गांव का नया ने तो कटा हो अब बता हां ट्यूबवेल की अपनी बठे नहीं बिंग तार टूट रही है दो चार दिन हो गया नहर पर हो जी बटन साफ करो बिन मिस्त्री ने बुलवा के बात आज जुड़वाई है और अब बाकी का कर्मचारी कटे नहर का पानी क्यों जा रहा है नहर का पानी कहाँ जा रहा है नहर का पानी मोती वाली चाल क्यों चल रहा है बचड़ी क्योंकि वहीं आग नहीं है चैनल अपनो एक है ई खतर चलन आ रही है पानी बांट रहा है आ तो चलता है बंग छत्ती आ चलो छत्ती से आ रहा है क्यों चल रहा है क्यों चला दो वो मेरे पास चलो एक भाई देख लो कि रुक जाओ बढ़िया हो गया एक मैं भी जाऊं निकले दे दियो तो बिन दे दियो नाज मंडी को तो वाटर नाज मंडी पानी
ਬਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦ ਆਪਣੋ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣੀ ਜਦੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਡਿੰਗੀ ਕਟੋਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟੋਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜਨ ਮੈਂ ਬੰਦੋ ਲਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਟਿਕਾਲੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੋ ਬਾਤ ਬਾਤ ਕਟੋਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਖੇਲ ਦੁਨੀਏ ਜੀ ਟਿਕਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟੀ ਲਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ ਬਾਅਦ ਮੋਚੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਕੋ ਉਹ ਡਿੰਗ ਮੂੰਹ ਕਟਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹ ਡਿੰਗ ਮੂੰਹ ਕਟਾਏ ਜੇਕਰ 7000 ਰੁਪਏ ਵੱਧੀ ਹੈ ਗਾਮੀ ਕੀ ਮੈਨੇ ਦਾ ਦੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣ ਤੋ ਨਹੀਂ दोनों पास चलो कई दिन तीन दिन डिंग ने दो तीन दिन मोर्चाली दो एक दिन अनाज मंडी दो आई बात हुई बीमार।